Today's topic is explain the production of amplitude modulated wave. Explain the production of amplitude modulated wave. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है. आप सबको पता है मॉड्यूलेटेड वेव को बनाने के लिए दो वेव्स की जरूरत पड़ती है. एक है मॉड्यूलेटिंग वेव. मॉड्यूलेटिंग वेव की जरूरत पड़ेगी. मॉड्यूलेटिंग वेव याद रखना बेटा. एक हमें लानी पड़ेगी मॉड्यूलेटिंग वेव जिसको हम एम टी से डिनोट कर रहे हैं. मॉड्यूलेटिंग वेव आपको पता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव होती है इस तरीके से. और चाहिए हमें एक कैरियर वेव. यहां से लाऊंगा मैं कैरियर वेव को सी टी से डिनोट करेंगे हम. शाबाश बेटा. इनको मॉड्यूलेटर में देंगे जो मॉड्यूलेशन करेगा. इनको मिक्स करेंगे तो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी. यह है मॉड्यूलेटेड वेव जिसको हमने एक्स टी से डिनोट किया. इधर देखें ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव. ये कैरियर वेव. ये सुपर इंपोज हो गई. ये बन गई मॉड्यूलेटेड वेव. ये मॉड्यूलेटेड वेव है. ठीक है. मिक्स होने के बाद बेटा इधर देख लीजिए. मिक्स होने के बाद आप लोगों को ये डालनी है स्क्वायर लॉ डिवाइस. ये मैं बताता हूं ये क्या है डिवाइस में. ठीक है बेटा. स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद आप लोगों को देनी है ये बैंड पास फिल्टर. और बैंड पास फिल्टर से जो निकल के वेव आएगी दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ये होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. फिर से आप लोगों को बताता हूं. सबसे पहले हमें मॉड्यूलेटिंग वेव चाहिए जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव होती है. ये इस तरीके से कैरियर वेव. ये हमें बन गई मॉड्यूलेटेड वेव. मॉड्यूलेटेड वेव देनी है स्क्वायर लॉ डिवाइस को. स्क्वायर लॉ डिवाइस से जो आउटपुट निकलेगा उसको बोलेंगे हम वाई टी जो देना है बैंड पास फिल्टर को. और हमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव मिलेगी. ठीक है बेटा. कितनी वेव्स हमने पहले मिक्स कर दी. यहां पर आप देख लीजिए कितनी वेव्स को हमने मिक्स किया. दो वेव्स को मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव. शाबाश. इधर देख लीजिए एक्स टी इज इक्वल टू एम टी प्लस सी टी. ठीक है. ये एक्स टी इज इक्वल टू एम टी प्लस सी टी. ठीक है. एक्स टी याद रखना बेटा. एक्स टी इज इक्वल टू एम टी आपको सबको पता है. शाबाश बेटा. ई एम मॉड्यूलेटिंग वेव साइन ओमेगा एम टी पहले भी पढ़ा है प्लस कैरियर वेव ई सी साइन ओमेगा सी टी बन गया एक्स टी. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखिए बेटा क्या करना है हमें. इसी को हमें स्क्वायर लॉ डिवाइस में देना है. देखो स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या होता है. स्क्वायर लॉ डिवाइस हो गया वाई टी. स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है वाई टी. देखो किस तरीके से एक्स टी देना है. हो गया बी एक्स टी प्लस
सी एक्स स्क्वायर टी, इधर देख लीजिए, ये वाई टी जब स्क्वायर लॉ डिवाइस से निकलेगा, जो स्क्वायर लॉ डिवाइस में वेव होगी वो इस तरीके से होगी बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ये एक ओरिजिनल वेव भी रखेगी और उसका स्क्वायर भी करेगी। इधर देख लीजिए, एक ओरिजिनल वेव भी रखेगी और इसका स्क्वायर जिसने किया उसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस। वायर बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, बी और सी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। जरा मुझे बता दीजिए, वाई टी इज इक्वल टू बी, बी इसी तरीके से रखिए, एक्स क्या है पूरा ये लिखना है, शाबाश बेटा, बी ई एम साइन ओमेगा एम टी और प्लस बी ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस सी इसका स्क्वायर, सी को बाहर रख दीजिए, स्क्वायरिंग इसको कर दीजिए, सी ई एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ई सी साइन ओमेगा सी टी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, शाबाश बेटा, बी ई एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस सी कर दीजिए स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर हो गया, ई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस टू टाइम्स ई एम ई सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, इस तरीके से ये एक्सपेंड कर दिया। दो फॉर्मूला ये बेटा यहां पर लगानी है, एक फॉर्मूला है यहां पर, मैं आप लोगों को फॉर्मूला ये दोनों बना के देता हूं, दोनों फॉर्मूला इसमें इंट्रोड्यूस करनी है, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, एक फॉर्मूला ये लगनी है, और एक फॉर्मूला पहले भी हमने यूज किया है इसका, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये दो फॉर्मूलाएं यूज करनी है बेटा इसमें। तो फॉर्मूलाएं आप लोग लगा दीजिए, क्या आएगा, शाबाश, बी ई एम साइन ओमेगा एम टी इसी तरीके से प्लस बी ई सी साइन ओमेगा सी टी बिल्कुल इसी तरीके से प्लस सी सी बाहर ही रख दीजिए, शाबाश बेटा, ई एम इधर देख लीजिए, ई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर के बजाय लगाएंगे वन माइनस कॉस टू ओमेगा एम टी अपॉन टू आ गया इसके बजाय, प्लस ई सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी के बजाय आएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा सी टी अपॉन टू आ गया इसके बजाय, प्लस टू टाइम्स साइन टू टाइम्स, शाबाश बेटा, ई सी ई एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी के बजाय फॉर्मूला लगा दीजिए, शाबाश बेटा, कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस, ये यहां पर है बेटा वन बाई टू भी है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी ऐसे लगा दीजिए, ये टू और ये टू कैंसल,
ठीक है। इधर सुनिए, ये एक्सपेंड करने पर ऐसे आएगी बी ई एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी प्लस बी ई सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, सी से मल्टीप्लाई होगा, सी ई एम का स्क्वायर अपॉन अपॉन टू वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा एम टी प्लस सी ई सी का स्क्वायर अपॉन टू वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा सी टी प्लस टू टाइम्स नहीं टू कैंसल ई सी ई एम कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस ई सी ई एम कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ये आ गई वाई टी। इस इक्वेशन को मैं बॉक्स में रखता हूं, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन जानी है बैंड पास फिल्टर में। किसमें जानी है बेटा? बैंड पास फिल्टर क्या होता है? ये कुछ फ्रीक्वेंसीज को किसी बैंड को अलो करता है लेकिन बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रोक देता है। बैंड पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अलो करता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को रोक देता है। देखो इसमें ये उन फ्रीक्वेंसीज को उन टर्म्स को अलो करेगा जिनमें ओमेगा सी ओमेगा एम ओमेगा सी ओमेगा एम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस प्लस ओमेगा एम, इन टर्म्स को एलो करेगा बाकी टर्म्स को रोक देगा। ठीक है बेटा, ऐसी टर्म्स को एलो करेगा बाकी टर्म्स को रोक देगा। जैसे ओमेगा ओमेगा सी ओमेगा एम, इनको एलो करेगा बाकी टर्म्स को रोक देगा। जो हमारे पास बैंड पास फिल्टर के बाद जो भी टर्में आएंगी वो होगी जैसे बी ओमेगा सी, ये वाली टर्म रोक देगा, ये वाली टर्म रोक देगा, ये वाली टर्म अलो करेगा, ये वाली टर्म अलो करेगा। इसका मतलब जो बैंड पास फिल्टर के बाद वेव आएगी वो होगी एम्पलट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है बेटा, ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को अलो करता है, कहीं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को अलो नहीं करता है। ये इन्हीं फ्रीक्वेंसीज जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ओमेगा 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 सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली टर्म्स को अलो कर देगा, बाकी सबको रोक देगा। जो यहां पर वेव आएगी वो होगी एम्पलट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव।